जय हिंद साथियों। देखिए आज हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के सेफ स्कोर के बारे में कि रीट लेवल फर्स्ट का जो है वो सेफ स्कोर क्या रहेगा और टारगेट कितना रखें या फिर कट ऑफ जो हो इसकी कितनी जाएगी। इसके लिए हम जो हो पिछली वैकेंसी की तुलना करेंगे इस वैकेंसी से, ठीक है। और आपको मैं बताऊँगा कि आप TSP एरिए में है या फिर नॉन TSP एरिए में है तो आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा, आपको जो टारगेट है वो कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बिना BEd वालों के और BEd वालों सहित दोनों तरीके से बताऊंगा कि BEd वाले अगर शामिल होते हैं तो कितना सेफ स्कोर रहेगा और BEd वाले शामिल नहीं होते हैं तो कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पिछली बार की बात कर लेते हैं कि पोस्ट जो हो कितनी थी 20,497। सिर्फ नॉन TSP की जो सीटें थी वो थी 20,497। अब ये जो कट ऑफ है वो सिर्फ नॉन TSP की है, TSP की मैंने नहीं बताई है। देखिए जनरल की जो है 74% रही थी, यानी 111 वाले का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद वो कट ऑफ डाउन भी गई थी। OBC की देखिए 108 वाले का, MBC का 70.67 यानी 106 का, और SC का 102 पर, और ST का जो है 97.5 वालों का ये सिलेक्शन हुआ था। और शहरियों का देखिए लगभग सभी जितने भी फॉर्म फिलअप किए गए थे उन सभी का सिलेक्शन जो हुआ था, ठीक है, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका सभी का सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए इस बार की अगर हम बात करें 2020-21 की जो वैकेंसी है, एग्जाम तो आगे से आगे खिसकाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम कभी भी हो आपको एक टारगेट स्कोर रखना होगा कि हमें जो हो इतने नंबर लाने होंगे, यानी आपको एक सेफ स्कोर मानना होगा, ठीक है। तो वही सेफ स्कोर की बात हम करेंगे। तो इस बार की जो पोस्टें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस बार के पोस्टों के लिए मैंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखिएगा, जिसके अंदर लेवल फर्स्ट की कितनी पोस्टें आ रही है वो मैंने बताया है, लेवल सेकंड की सब्जेक्ट वाइज जो पोस्टें हैं वो भी मैंने बताई है। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पोस्टें तो अब जो हो आप उस वीडियो के अंदर देख लेना कि कितनी पोस्टें आ रही है। लगभग उतनी ही 40,000 प्लस पोस्टें इस बार रीट की आएगी, उसी के आधार पे मैंने पोस्ट बताई है कि लेवल फर्स्ट की कितनी आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर या फिर कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर आपको क्या रहेगा, ठीक है। अगर बात करें हम जनरल की तो जनरल की देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं TSP एरिया का जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 100, ठीक है। बिना बीएड अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो इनका जो सेफ स्कोर है वो 100 रहेगा, अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तो इनका जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 103, ठीक है, 103 के लगभग जो हो सेफ स्कोर रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम जनरल वालों की, ठीक है। नॉन TSP की अगर बात करें हम जनरल की तो देखिए पिछली बार जो कट ऑफ है वो 111, ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ या सेफ स्कोर के आसार जो है वो रहेगा 117, ठीक है, 117 के लगभग जो हो 117 के लगभग जो हो इस बार सेफ स्कोर रहेगा बिना बीएड वाले, अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो, ठीक है। देखिए डायरेक्ट अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो सेफ 117 रहेगा। अगर बात करें हम ओबीसी की तो ओबीसी देखिए लगभग 112, ये बिना बीएड वालों के बता रहा हूँ, अगर बीएड वाले शामिल होंगे तो कितना बढ़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर एमबीसी की बात करें तो ये रहेगा देखिए 110। अगर बात करें SC ST की, SC का जो स्कोर है वो रहेगा 107 और ये रहेगा 102 के लगभग। ये तो है सेफ स्कोर या फिर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है, लेवल फर्स्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिना बीएड वालों के। अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तो ये जो हो कम से कम कितने नंबर आगे जाएगी, 5 नंबर आगे जाएगी, तो देखिए 17, 5, 22 यानी 122 के लगभग जा सकती है। तो जनरल की जो कट ऑफ है नॉन TSP की वो 122 के लगभग जाएगी। देखिए अगर बात करें हम ओबीसी की तो ओबीसी की अगर देखें तो ये देखिए 120 के लगभग, 120 के लगभग, ये 115 के लगभग, और ये जो हो 110 और ये जो हो 105, ठीक है, इतना फर्क पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है कि जो सेफ स्कोर है वो सही है और आपके मायने में कितना सेफ स्कोर सही रहेगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।